गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। कोलकाता के पास स्थित केशवपुर झोपड़पट्टी में कल देर रात भयावह आग लग गई। निवासियों का दावा है कि खाने की दुकान में सिलेंडर फट गया और आग पूरी झोपड़ी में फैल गई। इसमें 50 से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। दमकल के 15 इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन अब तक आग ने झोपड़पट्टी में रहने वालों का सब कुछ खाक में मिला दिया। रात में आग बुझाने पहुंचे 2 दमकल कर्मी घायल हो गए। रात में सूचना मिलने के बाद दमकल मंत्री सुजीत बसु मौके पर पहुंचे और झोपड़पट्टी के लोगों को राहत का आश्वासन दिया। आगुन एकटा होयेछिल, सेखान थेके प्राय 32टा दोकान छिल, 28टा दोकान क्षतिग्रस्त। सिविल पाँचजन एकटु उन्नेट होयेछे, दमकले 2 जन उन्नेट होयेछे। अलरेडी दमकले जिनि ताके फार्स्ट एड करे छेड़े देवा होयेछे। আর এই 5 জন যে সিভিলিয়ান ছিল তার মধ্যে একজনের কতটা ইঞ্জিন আছে? এখানে 15টা ইঞ্জিন কাজ করছে, 2টা রোবট আছে। ইন্ডিয়ান শাটলার পিভি সিন্ধু নে আপনি অলিম্পিক অভিযান কা দমদার আগাজ কিয়া হে। উনোনে গ্রুপ জে কে পহলে মুকাবলে মে ইসরায়েল কে কেসানিয়া পলিকারবোভা কো ধুল চটা দি আর 21-7, 21-10 সে হারা দিয়া। পিভি সিন্ধু নে ইস জিত কে সাথ মেডাল কি আর এক কদম আগে বড়ায়া হে। इस तरह महिला सिंगल्स में भारत की इकलौती चुनौती पीवी सिंधु ने केवल 29 मिनट में जीत ली। बिजनेसमैन राज कुंद्रा केस में मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को एक और कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने राज कुंद्रा के ऑफिस में दोबारा छानबीन की, जिसके बाद उन्हें एक गुप्त अलमारी मिली। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक अलमारी में कई फाइलें बरामद की गई है, जिनमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी अहम जानकारियां हैं। महाराष्ट्र में लगातार ही भारी वर्षा की कहर जारी है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ और भूकलन से भारी तबाही देखने को मिली है। सबसे खराब हालत कोंकण और पुणे संभाग की है, जहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है तो कई लापता है। राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ के साथ ही वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना काल में 50% क्षमता के साथ चल रही मेट्रो 26 जुलाई से 100% क्षमता के साथ चलेगी। शनिवार को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पाबंदियां में और रियायत दी, जिससे दिल्ली वासियों को काफी राहत मिली है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मेट्रो का फिर पुराने अंदाज में संचालन किया जाएगा। अनलॉक प्रक्रिया के तहत 26 जुलाई सुबह 5 बजे से दिल्ली में 100% क्षमता के साथ मेट्रो को चलाया जाएगा। मानसून की दस्तक के बाद देश में कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कई राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। बारिश के चलते गोवा में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। गोवा इन दिनों दशक की सबसे भीषण तबाही देख रहा है। भूखलन और बाढ़ की वजह से कई सड़कें, ब्रिज और घर पानी में डूब चुके हैं। गोवा में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है तो कई करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। गुजरात में जीएसटी चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ नकली बिल के आधार पर 338 करोड़ रुपए के जीएसटी का घपला हुआ है, जिसकी जानकारी मिलने पर जीएसटी इंटेलिजेंट ने महानिदेशक की अगुवाई में एक उद्योगपति और टैक्स एडवाइजर समेत 2 जन को गिरफ्तार किया है। गोवा के 2 दिवसीय दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने यहाँ भगवान मंगेश मंदिर में अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। बता दें, मंगेश मंदिर गोवा की राजधानी पानाजी के करीब 20 किलोमीटर दूर मंगेशी गाँव में स्थित है। मुजफ्फरपुर में एक युवक को प्यार में सजाए मौत मिली है। प्रेमिका के घर वालों ने बुलाकर युवक को पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। घटना कांटी थाना के सोनबरसा गांव की है। मृतक की पहचान रेपुरा रामपुरा शाह गांव के निवासी मनीष ठाकुर के बेटे सौरभ राज के रूप में हुई है। बिजनेसमैन राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब शिल्पा शेट्टी ने डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 को अलविदा कह दिया है। सुपर डांसर चैप्टर 4 में अब शिल्पा शेट्टी की जगह जज की कुर्सी पर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर नजर आएंगी। हाल ही के शो में एक प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें करिश्मा कपूर को शिल्पा की जगह बैठे हुए देखा जा सकता है। बड़वानी से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल ये वीडियो खमघाट गांव का है। सड़क न होने की वजह से ग्रामीण कपड़े और बांस की डंडियों से बनी अस्थायी स्ट्रेचर पर गर्भवती महिला को 8 किलोमीटर तक पैदल कंधों पर ले गए। टोक्यो ओलंपिक के रिंग में भारत की स्टार महिला बॉक्सर मैरी कॉम ने जीत से खाता खोल लिया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन ने डोमिनिक रिपब्लिक की महिला बॉक्सर के खिलाफ मुकाबला जीत लिया है।
इसी के साथ मैरी कॉम के मुक्के ने टोक्यो के रिंग में भारत के लिए मेडल की आस जगा दी है। मैरी कॉम ने महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग के राउंड ऑफ 32 का मुकाबला 4-1 से जीता। जम्मू कश्मीर के कुलगाम इनकाउंटर में रविवार तड़के आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान एक आतंकी की गोली लगने की वजह से मौत हो गई। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। गुजरात की अलीशा पटेल नए नियमों के अनुसार गुजरात सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली राज्य की पहली ट्रांस महिला बन गई। अलीशा ने बताया कि जेंडर डिस्फोरिया का निदान होने के बाद परिवर्तन प्रक्रिया में मुझे 3 साल लग गए और 8 लाख रुपए खर्च करने पड़े। संदीप जो 4 दशकों से आंतरिक उथल पुथल को झेल रहा था, आखिरकार उसे अब कामयाबी मिल गई। मेरा जन्म एक मेल की बॉडी में हुआ था और ये आज से 39 ईयर्स पहले की बात है। फिर जब मैं 10-12 साल की हुई तब से मुझे समझ में आने लगा कि मेरी जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल लड़की की तरह है, तो तब मैंने इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए कि ये क्या है एक्चुअली। तो मुझे पता चला कि इसको जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं और फिर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन और प्रोसेस जानने के बाद मैं इसमें आगे बढ़ी और इसमें टोटल 3 साल का टाइम लगा मुझे पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने में। और आज मैं मेल टू फीमेल सर्जरी करवाने के बाद एक लेडीज़ की तरह जी रही हूँ। इसमें लगभग 8 लाख रुपये का खर्चा होता है। पूरी प्रक्रिया इस तरीके से है कि सबसे पहले आपको साइकाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। साइकाट्रिस्ट आपके सारे सवाल करते हैं और आपकी पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में और आपके सारी पर्सनल डिटेल्स वो लोग लेते हैं। फिर साइकाट्रिस्ट आपको सर्टिफिकेट्स देते हैं कि हाँ ये जेंडर डिस्फोरिया का केस है और इनको मेल टू फीमेल या फिर फीमेल टू मेल सर्जरी की आवश्यकता है। तो फिर वो सर्टिफिकेट लेने के बाद आप एंड्रीनोलॉजिस्ट जो कि हॉर्मोन्स के डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाना पड़ता है। फिर वो डॉक्टर्स आपको हॉर्मोन्स की थेरेपी स्टार्ट करने के लिए मेडिसिन और इंजेक्शन जो भी आपको सूटेबल हो उस हिसाब से वो लिख के देते हैं और ये मेडिसिन आपको लगभग 6 मंथ्स तक लेनी पड़ती है या फिर कोई कोई 1 साल या 1.5 साल तक भी लेते हैं। उसके बाद आपको सर्जरी के आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय महिला पहलवान प्रिया मल्लिक ने हंगरी में चल रही वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियन में बेलारूस के पहलवान को 5-0 से पराजित करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। प्रिया मल्लिक की इस कामयाबी के बाद सभी देशवासियों और खेल प्रेमियों ने उन्हें जमकर बधाई दी। यहां तक कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी इस उपलब्धि के लिए उन्हें ट्विटर पर बधाई दी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।